बरसगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 781वां उर्स शाह महमूद कुरैशी की क्यादत में कौमी जिक्रिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशस्त। सजादा नशीन पीर सैयद हबीब इरफानी खान का दारुल नेमत के सजादा नशीन तलहा हुसैन पीरजादा शेख ताहिर एजाज डोगर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मुल्क भर से जायरीन की दरगाह पर हाजिरी, मन्नतें मांगने का सिलसिला जारी। हजरत गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। मुल्तान में मुकामी तातील, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी छुट्टी। उर्स के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ का अहतमाम। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक भी दुआया तकरीब में शरीक होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई के मिसाली इंतजाम। किला कोहना कासिम बाग की सड़कों को निखार दिया गया। बासा मुल्तान शदीद माली बहरान का शिकार, मुलाजमीन को तनख्वाहों और बिजली के बिलों की अदायगी सबसे बड़ा मसला बन गई। बासा मुल्तान मेपको का 61 करोड़ रुपए का नादहिंदा, महाना रिकवरी 4 करोड़ रुपए और अखराजात 12 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। बिलों की अदम अदायगी पर मेपको ने 30 सितंबर से बासा के तमाम कनेक्शन मुनकता करने की वार्निंग दे दी। तर्जमान बासा के मुताबिक बासा ने मेपको के 36 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में अदा करने हैं। और मुल्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मतीतल रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम मुंतकिल की गई अराजी वापस। 584 कनाल 19 मरले अराजी में से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 80 कनाल बच गई। 504 कनाल और 19 मरले अराजी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कायम के लिए मुंतकिल। हुकूमत पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए मरासला भिजवाया।